मैं संगीता बठेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मुझे भी अपनी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रूट एंड नट्स चॉकलेट बनाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी टेस्ट और पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी नट्स ले सकते हैं। मैंने लिए हैं यहाँ पे काजू है, बादाम है और उसके अलावा मखाने हैं और राइस पफ्स हैं। मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे ही नट्स लिए हैं। इसमें अखरोट भी है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, राइस पफ्स हैं और मखाने हैं। तो इन्हें हम रोस्ट करेंगे, इनका जो मॉइस्चर है वो सूख जाए और ये एक अच्छे क्रंच में आ जाए, इनका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए। लो और मीडियम फ्लेम पे इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करना है। हमारे जो ये नट्स हैं ये पूरी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा करके ग्राइंडर में डाल के दरदरा पीस लेंगे। इन नट्स को ठंडे होने के बाद मैंने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है। आप देख रहे होंगे कुछ दरदरे, कुछ क्रंच आना चाहिए, इस तरह से नट्स को हमने पीसना है। यहाँ मैंने डबल बॉइलिंग सिस्टम द्वारा चॉकलेट को मेल्ट किया है। डार्क कंपाउंड मैंने लिया है, 2 कंपाउंड को मैंने मेल्ट किया है। भगोने में मैंने पानी रखा है और ऊपर बाउल में मैंने चॉकलेट को छोटे पीसेस कट करके मेल्ट कर लिया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे। जिस भी मोल्ड में आपने चॉकलेट को सेट करना है उस मोल्ड में पहले हम चॉकलेट डालेंगे। थोड़ा थोड़ा साइड्स को भी कवर करेंगे और एक मोटी लेयर हमने इसमें चॉकलेट की लगानी है। ध्यान रखना है चॉकलेट की जो लेयर है वो पतली नहीं होनी चाहिए। नट्स में मैं डाल रही हूँ चॉकलेट सॉस। इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। हमने इन सारे नट्स को चॉकलेट सॉस में कोट करना है। जब आप इस चॉकलेट को खाएंगे तो इसमें इसका बहुत अच्छा क्रंच आएगा। इसे भी हम चॉकलेट के ऊपर फैला लेंगे। नट्स को सेट करने के बाद मेरे पास है कुछ जेली, आप चाहें तो चेरी भी ले सकते हैं, मैंने ली है जेली। इसे भी डालने के बाद थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे। अब इसे हम चॉकलेट से कवर करेंगे, तो जो भी चॉकलेट बची हुई है उसे डालकर हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। चॉकलेट से कवर करने के बाद इसे हल्का सा टैप करेंगे और इसे हम फ्रीजर में कम से कम 10 मिनट के लिए रखेंगे। देखा आपने कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये चॉकलेट, खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चॉकलेट लवर्स को ये चॉकलेट बहुत पसंद आने वाली है तो इसे ज़रूर से बना के देखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।